देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीसी के अंदर किस तरीके से हम लोग ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो ओपनिंग बैलेंस के पैटर्न के रिगार्डिंग है। आप लोगों को कंपनी तो बनानी आ गई होगी इतनी सारी, समझ लीजिए मेरे पास एक नोट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास एक कंपनी जिसका नाम है कंपनी जितेंद्र प्रजापति। कंपनी का नाम क्या है? जितेंद्र प्रजापति है। जिसने कंपनी को स्टार्ट करते वक्त कितना पैसा लगाया है? 1 लाख। कौन डॉक्यूमेंट डालना होता है? कितना कितना पैसा लगाया? 1 लाख रुपये उसने लगाया। कब? जब उसने बिजनेस को स्टार्ट करा था। क्लियर है? अब सर आपने ये कैसे एंट्री होगी? ऐसी मेरे पास देखो ओपनिंग बैलेंस समझ लो क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस होता है बकाया। जैसे आज 31 मार्च है, क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च को क्या होता है? बंद होता है। जो दिन बैलेंस बचता है वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग कहलाता है। और जो नेक्स्ट आता है वो क्या बन जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कैसे? ओपनिंग बैलेंस दो ही सिचुएशन में बनते हैं। पहला कब बनता है? जब 31 मार्च हो जाए और नया ईयर आ जाए, तब आपका जो क्लोजिंग होता है वो क्या बन जाता है? नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। जो 31 मार्च को बैलेंस बचता है वो क्या होता है? क्लोजिंग। और जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है? ओपनिंग। जैसे सुबह आपकी मॉर्निंग में 10 रुपये दें वो आपका ओपनिंग बैलेंस। आपको कार्ड की जो बैलेंस बचा वो क्या कह जाएगा? आपका क्लोजिंग। ठीक है, दोनों में ही अंतर। वही अगले आज वाला क्लोजिंग क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डे ओपनिंग। फिर वो वाला कैसा बन जाएगा? क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग पैटर्न में चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका पैटर्न होगा। ओपनिंग बैलेंस का एक सिचुएशन तो 31 मार्च का हो गया, वो हमारा आ गया। दूसरा सर सिचुएशन क्या है? दूसरी है कि बीजी का सॉफ्टवेयर आज लगाए। बीजी का सॉफ्टवेयर आज लगाए। कब? 26 अप्रैल 2017। उसने कहा कि मेरा 5 साल का पुराना बैलेंस था, पार्टियों का लेन देन था, उनका जो कल तक का बैलेंस था वो क्लोजिंग मान लो, आज से काम करो। तो हम क्या मानेंगे? जो कल का बैलेंस था क्लोजिंग, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आज में ओपनिंग। तो यही होता है, वरना 5 साल काम करूँगा तब जाके वो बैलेंस आएगा जो आज का। पाँच साल का कोई कर नहीं सकता, करने वाला करवा भी लेते हैं बहुत से कस्टमर, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहले बिल्कुल भाई 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंपनी का पासवर्ड डाल के कंपनी को सेव करूँ। पासवर्ड यूज सभी जानते होंगे मैं क्या डालता हूँ, कॉमन सा है वो वर्ड डालता है। कंपनी का पहला लेटर, सबसे पहले उसने बोला कि कंपनी बन गई। कंपनी बनते हो आप कहाँ पर आते हो? ट्रांजेक्शन। उसने कंपनी में पैसा लगाया है। कितना पैसा लगाया? 10 लाख। कितना लगाया? 1 लाख रुपये। अब कंपनी के पास पैसा है। पहली चीज़ सुनना, कंपनी दो तरह से सोचता है। मालिक के हिसाब से कभी नहीं सोचता। आप लोग क्या हो? आप अकाउंटेंट हो। क्या हो? अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो कंपनी से मतलब नहीं रखते। क्या रखते हैं? कंपनी के ओनर से मतलब नहीं रखते, खाली कंपनी से मतलब। पैसा आया तो रिसीव, पैसा गया तो पेमेंट। पैकिंग चार्ज? हाँ पैकिंग चार्ज। वाला चार्ज है, खाली चार्ज है, आधा चार्ज डाल दें। क्लियर है? क्या होता है, हमें किसके ब्याज सोचना है? कंपनी के ब्याज से सोचना है, ओनर के ब्याज से नहीं सोचना। ओनर ने कहा क्या फाइनेंशियली 31 मार्च या 1 अप्रैल 2 अप्रैल कर सकते हो? आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रूल ही नहीं है। हम किसके ब्याज सोचेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंपनी। हम अकाउंटेंट हैं, हम कंपनी को नोटिस करें। मालिक पैसा डाले तो रिसीव, पैसा निकाले दो पेमेंट। पैसा देगा तो हम मानेंगे कि हमने उससे उधार में लिया है, हम उसको कल पैसा पे कर देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये आप किसके ब्याज सोचोगे? कंपनी के ब्याज से, अकाउंटेंट के ब्याज, ओनर के ब्याज से कभी नहीं सोचोगे। अपना पैटर्न चलाता रहेगा, मुझे ऐसा कर दो ऐसा, ये ऐसा कर दो ऐसा, तो गलत है। हम सोचेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू? पैसा आया तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट। क्लियर? पैसा आया तो क्या बोलेंगे आप? रिसीव। पैसा जाएगा तो पेमेंट, तो रिसीव में आएंगे। हो जाएगी सर। ठीक है, रिसीव मतलब क्या होता है? पैसा। और पेमेंट मतलब? पैसा जाना। दोनों वर्ड क्लियर करो, ये लेने के लिए और ये देने के लिए। ये रिसीव और जो पार्टी आपको देगी वो रिसीव करेंगी, जिसके पास आपके पास आएगा क्या करेंगे आप? पेमेंट। पेमेंट। ठीक है, क्लियर है? कोई इश्यू? आप रिसीव करें तो रिसीव में आएंगे। अब कंपनी में पैसा आया है, मालिक ने दिया है, अब क्या सोचोगे? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या सोचोगे पॉइंट? कंपनी में पैसा आया है, पैसा आया तो रिसीव। पहले कहा था चाहे मालिक दे चाहे लेबर दे, हमें कोई से मतलब नहीं है। पैसा आया तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट, चाहे वो कोई भी सोर्स। कहाँ जाएंगे? मैं तारीख कब आया है? तारीख दी नहीं है तो 1 तारीख मानी। अब देखो जैसे इंटर मारो क्या वर्ड आया? सी।
सी फॉर क्रेडिट क्या होता है, सी फॉर क्रेडिट क्या होता है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, क्लियर है। क्रेडिट के तीन मतलब होते हैं, क्या मतलब होता है, ज्यादा थ्री मीनिंग है इसके। पहला, जब जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। हमारे सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जो वस्तु जाती है वो भी क्या होती है, क्रेडिट। क्लियर, जो चीज़ जाती है वो डेबिट, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। हमारे सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, जो वस्तु आती है वो डेबिट, जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट। जाने का वर्ड आए तो क्रेडिट सी, और आने का वर्ड आए तो डी। किसके पास से पैसा गया, जितेंद्र के पास से। ठीक है, आगे क्या लगाएंगे हम लोग, कैपिटल क्यों लगाते हैं हम लोग आगे, मालिक है। हाँ क्या हुआ भाई, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भाई, ठीक है। और ग्रुप में क्या डाल देंगे, इसके कैपिटल अकाउंट, और इसको हम सेव कर देंगे, कैपिटल में गलती होगी, ठीक है, और इसको डाल के सेव कर। कितने पैसे डाले उसने, 1,00,000 रुपए। यहाँ क्या डाल देंगे, 1,00,000 रुपए, उसको सेव कर। अब देखो हैं, क्योंकि पैसा क्या कंपनी में जिसके थ्रू आएगा, लिखोगे नहीं। डी मतलब डेबिट, जिसको पैसा मिलता है क्या होता है, डेबिट। किसको पैसा मिल रहा है समय, कैश को ना मिल रहा है, उसको मिल रहा है, कैश को मिल रहा है। कंपनी का नाम लिखोगे कि अपनी कंपनी में ही अपना नाम लिख दोगे, जितेंद्र ने, जितेंद्र प्रजापति में पैसा लगाया, तो गलत हो जाएगा ना। जितेंद्र हमारा एक कैश है, हमारा कैश, हमारी एक पार्टी है। मैंने कहा भाई कैश तुम हो, ले भाई 1,00,000 रुपये आ रहा है, तुम पकड़, तू रख ले, कल मांगू तो दे दियो, पर मना मत करियो। तो कैश क्या है, हमारी पार्टी है जिसको हम पैसा दे रहे हैं। बस एंटर मारोगे, एंटर मार के बस सेव करोगे, ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर, अगर कल को मारी, अब देखो तराजू बराबर है, अकाउंटिंग बराबर होती है, अकाउंटिंग दो तरफ इफेक्ट करती है। अगर एक चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है, क्या होता है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, कॉमन सी बात है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे जितेंद्र के पास से पैसा गया है, क्या गया, किसके पास पैसा बढ़ गया होगा, कंपनी कैश के पास, एक चीज़ बढ़ी दूसरी घट गई। अगर देने की बात करें तो जितेंद्र को देना है, और किससे लेना है, कैश से लेना है। तो अकाउंटिंग हमारी क्या है, बराबर है, ना हमारी कंपनी में एक रुपया ज़्यादा है, ना हमारी कंपनी में एक रुपया कम है, अकॉर्डिंग टू द जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो हो रही है। क्लियर, अभी जो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर। अगर पैसा निकाले तो कहाँ आएंगे, पेमेंट में, तो बस जितेंद्र। अगर वो डी ऊपर हो गया, क्यों, इसको पैसा मिल रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, कल जो कर रहा था वही करना है, जितेंद्र जो कर रहे थे कल वही करना है, ठीक है, इसको सेव कर दिया। और मैंने इसको कैश डाल के इसको सेव कर दिया, हो गया सेव। उसके बाद ठीक है, अब जितेंद्र के पास से कितना पैसा कम हो गया, तो यहाँ ओवरटेल करेंगे, क्या लिखेंगे, जितेंद्र, उसको एफ टू कर, आधे घंटे में कितना, 1,00,000 रुपये डाले थे, कितने पैसे निकाल दिए इसने, एक सौ, कितना बैलेंस रह गया, कितना कैसे लेजर आया है, ओल्ड प्लस एल से आया, क्या है, बिल्टी चार्ज से बनाओ, ओल्ड टेल करें, ओल्ड टेल, और यहाँ से ओके कर दीजिए, क्लियर, ओके हो गया। अब देखो जितेंद्र को कितने पैसे देना है, इतना। अब कैश का लेजर देख लें, यहाँ पर कैश लिखोगे तो आ जाएगा, कैश का 1,00,000 रुपये किससे आया था, जितेंद्र से, 1,00,000 रुपये जितेंद्र, 1,500-1,500 रुपये जितेंद्र ने कंपनी में से निकाल लिए, तो कितना बैलेंस रह गया, 850। क्लियर है ये सिचुएशन। अब उसने बोला जो 1,00,000 रुपये आया था उसमें से 1,00,000 रुपये मैंने कहाँ डाल दिए, PNB में, और 20,000 रुपये SBI में। उसने दो क्या करे, दो बैंक अकाउंट ओपन करे, क्या करें उसने, दो बैंक अकाउंट ओपन करें। देखो जब भी बैंक की ट्रांजेक्शन आएगी उसके लिए आप क्या मारोगे, उसके लिए कॉन्ट्रा मारोगे, क्या मारोगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब तो बैंक में पैसा डालना या बैंक से पैसा निकालना। कौन सी कंडीशन में आप कॉन्ट्रा यूज करते हो, कैसे, बैंक में पैसा डालना या बैंक से पैसा निकालना, क्या होता है, बैंक से पैसा डालना या बैंक से निकालना, हो
क्या कहलाता है हमारा? कॉन्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा। या बैंक में पैसा डालें या बैंक से पैसा निकालें, क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा। अगर किसी पार्टी का नाम आ जाता है, मैंने पार्टी को 1,00,000 रुपये दिया है बैंक के थ्रू, तो क्या मारेंगे? पेमेंट। किसी पार्टी ने मुझे पैसा दिया है, रिसीव, मैंने ऑफिस एंड का चेक काटा 10,000 रुपये का बैंक से, क्या करेंगे? पेमेंट। ठीक है, मेरे पास कमीशन आया बैंक में 1,00,000 रुपये, क्या डालेंगे? रिसीव। कॉमन क्या है? कैश वर्ड आया साथ में, मैंने बोला बैंक में पैसा डालेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे, कौन से में? कॉन्ट्रा। बैंक और कैश वर्ड एक साथ आए, क्या है? कैश एंड बैंक वर्ड एक साथ आए, बैंक बढ़े या बैंक घटे। कॉन्ट्रा का मतलब होता है दो सिचुएशन में आता है, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये पड़ा है हाथ में, आपने उठाया और बैंक में जाकर डाल दी, क्या मारोगे? कॉन्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपका कैश घटा और बैंक बढ़ गया। क्लियर? आपने ATM में लाइन लग के 2,000 रुपये निकाल लिए, क्या निकाल लिए? 2,000 रुपये। क्या बढ़ेगा आपका? कैश और बैंक क्या हो जाएगा? दोनों जगह क्या हो रहा है? कैश और बैंक एक साथ आ रहे हैं, रिसिप्ट में आएगा ना? ATM से निकालते तो रिसिप्ट में आएगा, तो बैंक से निकला है ना पैसा, तो बैंक किस में जा रहा है? कॉन्ट्रा में आ गया। हुआ समझो? कॉन्ट्रा कब मारेंगे? जब कैश और बैंक वर्ड साथ। कैश, अब तुम्हारे पास 10,000 रुपये पड़े, तुमने लिए और बैंक में डाल दिए, क्या करोगे? कॉन्ट्रा मारोगे। आपने ATM में से पैसे निकाला है, ATM कम होगा, बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक कम होगा, क्या मारोगे? बैंक और कैश, कैश बढ़ता है ट्रांजेक्शन से, कैश बढ़ता है बैंक की ट्रांजेक्शन, क्या मारेंगे? इधर है जिसमें बैंक और कैश और बैंक वर्ड इन्वॉल्व हो दोनों में, उसमें क्या मारेंगे? कॉन्ट्रा। और दोनों में कैश और बैंक वर्ड इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं आती तो उसके लिए पेमेंट और रिसीव करेंगे। बैंक में 1,00,000 रुपये 10,000 रुपये डाला है तो PNB में डाला है 10,000 रुपये, कितना डाला है PNB में? 10,000 रुपये, तो हमारा क्या अकाउंट बढ़ेगा? PNB। तो डी जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। जिसको पैसा मिल रहा है F3, क्या लिख देंगे? PNB। और ग्रुप में क्या डाल देंगे? और इसको F2 करके सेव, कितना? 10,000 रुपये। क्या डाल देंगे नीचे? कैश डाल के सेव कर। क्लियर? उसके बाद तारीख, एक तारीख किस में डालें? SBI। तो यहाँ पर F3 क्या लिखेंगे? SBI। और बैंक ग्रुप में कितना? 20,000। और इसको हो गया। अगर मैंने बोला मैंने 10,000 रुपये का चेक काट के रोहित को दिया है तो क्या मारेंगे? क्यों मारेंगे सर? क्योंकि रोहित वर्ड आ गया। क्लियर? आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, क्लियर है? तीनों में आ गई। उसके नेक्स्ट आता है, मैंने बोला मेरे पास डेटर की लिस्ट है और मेरे पास क्रेडिट, इसका ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी, क्या करनी है? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले पार्टी बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F, क्या होती है? कंट्रोल F1, Alt F1, बोथ आर सेम। देखो यहाँ लिखा भी होता है, ये तो आप 17 वर्जन में ना 18 वर्जन में लिखा होता है कि अगर आपको पार्टी बनानी है तो F1। देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको आप ओल्ड के साथ यूज़ करोगे, जिसके नीचे अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन, F10 के नीचे अंडरलाइन नहीं है ना, क्या करोगे? डायरेक्ट F10 करोगे। लेकिन जिस वर्ड के नीचे क्या आती है? अंडरलाइन वर्ड आता है, क्या आता है? अंडरलाइन वर्ड आता है, उसको किसके साथ यूज़ करेंगे? ओल्ड के साथ। पार्टी बनाने की शॉर्टकट की क्या है? Alt F1, शॉर्टकट कहीं से ही बनाने पे। तो वाउचर पे खड़े होते तब F3 करते हो ना, वैसे बनाने के लिए Ctrl F1। पार्टी का नाम श्याम, टेक्स्ट टाइप। और ग्रुप में क्या डाल देंगे? संदीप, डेब्टर्स। क्लियर? कितना ओपनिंग बैलेंस है उसका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डाल के इसको सेव कर दो। क्लियर है? आगे समय में उसके बाद सर ऐसी मेरे पास 20 पार्टी का 20 पार्टी ओल्ड बार ऐसे ऐसे कर करके बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा। उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? उसके लिए आपको जब बहुत सारी पार्टी बनाना होगा इन्विटेशन के अंदर आएंगे, मास्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ऐड, बस यहाँ से नाम डालते जाओ। क्या नाम है? सुनील इंटरनेशनल। और ग्रुप में सनरी डेब्टर्स। कितना?
20,000 इसको 9 करो हाँ तो वही ओपनिंग और प्रीवियस तो वही हो गया ना कितना सन्नी एंटर प्राइस कितना बैलेंस 40,000 गलत हो गया कितना पहले 50,000 डाले कितने डाल दिया क्या हुआ राजू कितना क्या नाम था हमने क्या डाला था सुनील ना उसका 40 है उसका 40 डाल दिया ना हमने ओपनिंग पे ध्यान रखना ओपनिंग गलत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी सनी इंटरनेशनल हैं अरे यार अब डायरेक्ट यहाँ कर दो F5 क्या निकालो सनी सुनील कितना करना है हमें 15 और कितना डाल दो 15 उसको उसके बाद क्या है हमारा सनी कितना 40 उसको 9 करो और सेव और SB क्या थी ट्रेडर्स कितना 30,000 इसको 9 करा और सेव SBT के बाद क्या है हमारा शिवा इंटरनेशनल क्या डाल दो 30,000 ठीक है इसके बाद हमारा शिव कृपा कितना 70,000 फिर कौन अभी नहीं कौन फिर क्या था आगे नहीं कितना आगे आप उसने कहा मुझे डेटर की लिस्ट दो क्या दो लेटर की लिस्ट तो कहाँ आएंगे लिस्ट के अंदर स्क्रीन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ओला अकाउंट करोगे स्वाद आ जाएगा क्या करोगे बोलो बोलो अकाउंट और क्या डाल दोगे क्लियर ये तो किसकी होगी ये पार्टियों की होगी ऐसे मेरे पास आइटम भी तो बचा होगा ये कोई 31 मार्च में मेरे पास 00 आइटम सारी हो जाएंगी नहीं ना आइटम की डालनी है तो यहाँ आओगे यहाँ पर आइटम की शॉर्टकट की क्या है ओल्ड F2 क्लियर जिसके नीचे अंडरलाइन है इसका मतलब ओल्ड के साथ इसका ओल्ड F2 क्लियर क्लियर कितना ठीक है तो मैं क्या आऊँगा यहाँ पर आऊँगा और लिख दूंगा क्या पैंट कितना 001 कितना 30 कितना 150 और 100 तो ओपनिंग बैलेंस कितना बोला उसने 100 मीटर कितना 100 मीटर मीटर कितना 100 कितनी ओपनिंग बैलेंस वैल्यू हो गई इसकी तो ओपनिंग वैल्यू हो गई 100 × परचेज प्राइस तो कितनी ओपनिंग बैलेंस होगी इसकी 10,000 मतलब इतनी की तो कॉस्ट इतने के तो माल पड़ा है ठीक है और इतने की इसकी वैल्यू तो कितने का माल होगी टोटल 10,000 रुपये ऐसे आपको सेव करते जाइए पैंट 002 कितना 110 कितना 150 और 100 × करेंगे कितना आ जाएगा 11,000 क्लियर अब इसको सेव कर दो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है जो आपको करनी है आप देख लीजिए आप लोगों को कितना काम करना है समझ लीजिए आप लोग सबसे पहले तो आप ये कंपनी बनाओगे जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई है कैपिटल लगाओगे बैंक अकाउंट डालोगे इसके बाद आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालोगे फिर आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालोगे और उसके बाद क्या कर दोगे उसकी डायरेक्ट सेल कर दोगे सेल हो जाएगी सेल के बाद क्या करना है आपको फिर इसकी परचेज करनी है फिर दोबारा और फिर रिसीव करनी है और फिर पेमेंट करनी है मतलब पूरी आपकी कंपनी का डाटा पूरा फिलअप हो जाएगा